मुआज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि आप किसी भी पिक्चर का एआई फ़ोटो कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। मुआज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपने अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, लेकिन आपने एआई फ़ोटो जनरेट करने के लिए किसी भी पिक्चर का फ्रंट आपका बिल्कुल सही आना चाहिए, यानी कि आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फेस के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि एआई को आपका फ़ोटो जनरेट करने में आसानी हो। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आप अपनी पिक्चर को किस तरह एआई फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको सबसे पहले किसी भी पिक्चर को एआई में कन्वर्ट करने का तरीका सिखाएंगे। तो आपने अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ एक वेबसाइट सर्च करनी है, lexica.art। इस वेबसाइट का नाम लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आएंगे। उनमें से नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा सर्च बार का। सर्च बार में आपने कुछ भी टाइप कर देना है जो पिक्चर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ मॉन्क का फ़ोटो चाहिए, तो मैं मॉन्क लिखकर सर्च के बटन पर टैप करूँगा तो ये सर्च करके मुख्तलिफ किस्म के फ़ोटो मेरे सामने ले आएगा। इनमें से जो भी फ़ोटो आपको अच्छा लगे वो फ़ोटो आपने सेलेक्ट करना है, उस फ़ोटो के ऊपर आपने टैप कर देना है। उस फ़ोटो के ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसी तरह के कुछ 4-5 फ़ोटोज़ आपके सामने नजर आएंगे। ये देखिए, आपको इस तरह के 4-5 फोटो नजर आएंगे, तो आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप करके इस फोटो को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह आप अब किसी भी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपने अपनी पिक्चर को किस तरह जनरेट करना है एआई में। तो आपके पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा लेक्सिका वेबसाइट पे, जनरेट का, यहाँ टैप करें। उसके बाद सिंपली आपने गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ आपने कंटिन्यू विद गूगल पर टैप करना है, और आपने जिस भी अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन होना है उसी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएं। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहां से कोई भी पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, यहां मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया है। आप भी अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें और नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्क्राइब योर इमेज। यहाँ पर आपने जिस तरह की इमेज बनवानी है उस तरह का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा, आई वांट कन्वर्ट माय रियल इमेज टू एआई जनरेटेड इमेज। तो यहाँ जैसे ही आप ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद आपने जनरेट पर टैप करना है और थोड़ी देर वेट करना है, तो आपकी जो पिक्चर है वो एआई में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं कि आपकी जितनी पिक्चर्स हैं वो अब एआई में मुख्तलिफ तरीक़ों से कन्वर्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पिक्चर नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल झूठ है कि आपकी पिक्चर बिल्कुल सेम उसी तरह आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ आपको नज़दीक तरीन ये पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी एआई जनरेटेड, तो आप इनमें से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके एआई फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।